एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट किया था, जस्ट स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम एलसी ऑसिलेशन। सो देखिए ये एलसी ऑसिलेशन क्या चीज, एलसी ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था अगर आपने एक कैपेसिटर लिया कैपेसिटर विच इज फुल्ली चार्ज और इस कैपेसिटर को अगर आपने एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, इज अ कैपेसिटर विच इज फुल्ली चार्ज, इस कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, ये कैपेसिटर जैसे ही आप की क्लोज करोगे ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होना शुरू होगा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगा और ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। मींस पहले सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगी, फिर कुछ टाइम के बाद सारी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑसिलेशन होता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर आप कुछ हाइट से एक बॉल, तो जब आप बॉल को ड्रॉप करोगे टॉप पॉइंट पर, जब बॉल होगी तो सारी एनर्जी पोटेंशियल है, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू होगी, यहां तक पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर जब बॉल रीबाउंड करेगी तो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, एंड इट्स कीप ऑन ऑसिलेटिंग और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली जाएगी। या पेंडुलम का एग्जांपल ले लो, पेंडुलम में भी यही होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक दूसरे में कन्वर्ट, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी और फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहां जो भी ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन एनर्जी का, यहां ऑसिलेशन है आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी, कीप ऑन ऑसिलेटिंग, ये हमेशा चलता रहेगा, दैट्स एलसी। अब यहाँ चार्ज भी ऑसिलेट करता है, देखो शुरू में कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज होता है, ये हमने कल लास्ट वेडनेसडे डिस्कस किया था कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, फिर धीरे धीरे कैपेसिटर का चार्ज और एनर्जी इंडक्टर में आना शुरू करेगी, तो आप लिख सकते हो चार्ज ऑसिलेट करता है। एनर्जी ऑसिलेट करती है, एनर्जी ऑसिलेट करती, एनर्जी का ऑसिलेशन तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया, अब आपको इक्वेशंस निकालनी है। अच्छा गेस कर सकते हो यहां पर जरा सा, अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो चार्ज के तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन होनी चाहिए चार्ज की या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होनी चाहिए चार्ज की, गेस कर सकते हो जरा बेसिक चीज, अगर आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। वेरी गुड, साइनसोइडल है ना, साइन या कॉस दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो पहला काम है हमें डिराइव करना है कि आपका चार्ज यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज की ऑसिलेशन की कंडीशन। मगर उस मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। एक डेफिनेशन होती है जिसमें हम कहते हैं आपका ऑसिलेशन अनडैम्ड है, कि आपका जो ऑसिलेशन है दैट ऑसिलेशन इज अनडैम्ड, अनडैम्ड ऑसिलेशन। सो अनडैम्ड ऑसिलेशन सिंपली मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर आप कह रहे हैं ऑसिलेशन अनडैम्ड है दैट सिंपली मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी, अनडैम्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा दैट मींस इट्स एन अनडैम्ड ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉन्स्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर मैं अनडैम्ड ऑसिलेशन मान लूं और अनडैम्ड ऑसिलेशन के लिए मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, तो अनडैम्ड ऑसिलेशन के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है,
दिस इज टाइम, और यहां आप एनर्जी मान लीजिए कि आपकी एनर्जी ऑसिलेट कर रही थी, सो आपकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं. दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं. एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करता. लेकिन रियल लाइफ में अनडैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस इन एनर्जी होगा. अगर लॉस इन एनर्जी होगा तो आप कहोगे डैम्पिंग आ गई, ऑसिलेशन को आप कहोगे योर ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस. डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस है. डैम्प्ड ऑसिलेशन में लॉस इन एनर्जी होगा, हर हाल में लॉस इन एनर्जी होगा इन फॉर्म ऑफ, और इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस, या तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा रेजिस्टेंस की वजह से, और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एनर्जी का लॉस ईएम वेव्स की फॉर्म में भी होगा, कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएंगी, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी में लॉस आना शुरू हो जाएगा. तो ये टाइम है, ये आपकी एनर्जी ले ली मैंने. सो एम्प्लीट्यूड बहुत ज्यादा था, बाद में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा, और कम होते होते ये डाई आउट कर जाएगा. जब ये डाई आउट कर जाएगा तो आप कहोगे ऑसिलेशंस आर डैम, और अगर ये डाई आउट नहीं कर रहा तो आप कहेंगे द ऑसिलेशंस आर कांस्टेंट, इसे अनडैम्ड और डैम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने लिखा इसका मतलब है लाइट, फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ऑसिलेटिंग चार्ज, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन मैं लिख रहा हूं ऑसिलेटिंग चार्ज. ऑसिलेटिंग चार्ज विल जनरेट ईएम वेव. आपका जो चार्ज ऑसिलेट करेगा वो ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता, ईएम वेव जनरेट करेगा. वेव जनरेट करने का मतलब एनर्जी, आपके सिस्टम की एनर्जी बाहर हो जाएगी तो एनर्जी में लॉस होगा. इतना लिखिए, इससे रिलेटेड बताइए मुझे. जी नम्मा, फर्स्ट लाइन, बिल्कुल फर्स्ट लाइन. आप डाई आउट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम होती जा रही है ना, दिख रहा है ना, जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी तो ऑसिलेशंस ही नहीं बचेंगे. उसी को कह रहा हूं कि डाई आउट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा. पहले एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ग्रेजुअली एनर्जी कम हो रही है, कम होते होते एनर्जी जीरो हो जाएगी. इसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशन. फिर अब कर दूं इसको. जी सनावत, अनडैम्ड आइडियल, बिल्कुल आइडियल. अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए. हार्दिक उज्मा, जब हो जाए मुझे बताइएगा.
चलिए गुड। सो इसको रब कर देते हैं। हार्दिक उज्मा हो गया इतना, चलिए इसको रब कर रहा हूं। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ चार्ज एंड करंट इन एलसी ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ चार्ज एंड करंट, करंट इन एलसी ऑसिलेशन। सो अगर ये आपका इंडक्टर है, पहले कैपेसिटर ले लेते हैं। इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया और यहां की आपने क्लोज कर दी। कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है प्लस क्यू, इंडक्टर इज एल, यहां कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज इज क्यू बाय सी, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इट्स माइनस एल डी आई ओवर डी। ये वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इंडक्टर में। आप कह दिए दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो इस सेक्शन में आपके दो एम है। आपका एक एम ये है कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज टाइम के साथ चेंज होगा, उस चार्ज की इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए। दूसरा, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट भी टाइम के साथ चेंज होता चला जाएगा, इस करंट की भी आप इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए। ये दो मोटिव है आप। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ चार्ज या इक्वेशन ऑफ करंट के लिए आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कीजिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करोगे, तो केवीएल कहता है दोनों वोल्टेजेस का जो सम होगा VC plus VL is zero. Means voltage across and voltage across inductor, इन दोनों का सम जीरो है। VC को आप लिख सकते हैं Q by C, VL को आप लिख सकते हैं minus L DI over DT is equal to zero. VC को लिख सकते हो Q by C, VL को लिख सकते हैं minus L DI over DT is zero. अब करंट और चार्ज में अगर मैं रिलेशन देखूं तो इस करंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी क्यू ओवर डी। माइनस साइन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो करंट आ रहा है ये कैपेसिटर पर चार्ज कम होने की वजह से आ रहा है, कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन रख दिया। तो इसे अगर मैं इक्वेशन वन कहता हूं, इसे मैं टू कह रहा हूं, और मैं टू को वन में सब्सिट्यूट कर दू तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा इट्स क्यू बाय सी माइनस एल डी ओवर डी टी। ये था ना आई, इस आई की जगह डी क्यू ओवर डी टी रख दिया। इज इक्वल टू जीरो, तो इसे आप लिख सकते हैं इट्स क्यू बाय सी, इट्स प्लस, और जो इट्स नेगेटिव साइन, प्लस एल, प्लस एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्यू बाय सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इज जीरो। अब ये जो एल है, इस एल को, इसको आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, दिस इज डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन बाय L, तो मैं सिर्फ इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। ये था ना L d स्क्वायर q ओवर d t स्क्वायर प्लस q बाय L c इज इक्वल टू जीरो। तो ये L से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास बच गया d स्क्वायर q ओवर d t स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी
इज इक्वल टू जीरो, दैट्स थर्ड इक्वेशन। मुझे यहां तक बताइए, थर्ड इक्वेशन तक कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन नंबर थर्ड तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, बट अब करंट नेगेटिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर में जो भी चार्ज स्टोर्ड है वो टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है, चार्ज बढ़ नहीं रहा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। जब कोई क्वांटिटी कम होती है तो चेंज नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव। अच्छा, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा SHM का कॉन्सेप्ट यूज करूं। अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में मींस ऑसिलेट कर रहा है और वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM of charge, so, अगर एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो उसके SHM की वजह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM of charge। उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, so, देखो अगर मैं आपसे कहूं चार्ज SHM में है और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, तो ये जो कैलकुलेशंस मैंने अब तक लिखी हैं इसकी किसी की जरूरत नहीं है आपको, स्टैंडर्ड होता है SHM में। जैसे मैं आपसे कहूं कोई चीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, वेलोसिटी इक्वेशन लिखो, तुम ये लिख दोगे v is u plus at। मैं तुमसे कहता हूं कोई चीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, आप फॉरन ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख देंगे, ut plus half at square। मैं आपसे कहता हूं पेंडुलम ऑसिलेट टाइम पीरियड की इक्वेशन लिखिए, आप फॉरन ये इक्वेशन लिख देंगे रूट ओवर एल बाई जी टू पाई, ये तो होता है टाइम पीरियड। इसी तरह से अगर कोई चीज SHM में है और मैंने आपको बता दिया क्या ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन। ये बताइए फोर्थ समझ में आया? फोर्थ मैंने SHM से यूज किया, इलेवेंथ में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था उसमें आप ये इक्वेशन डिराइव करते थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट कर रहा है तो डी स्क्वायर क्यू की जगह एक्स आ जाता, यहाँ चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, मोशन यूज करके डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू। बताइए मुझे इक्वेशन फोर क्लियर है सबका? ये स्टैंडर्ड SHM की इक्वेशन है, अगर किसी ने SHM नहीं पढ़ा इलेवेंथ ट्राइज करनी पड़ेगी। चलिए अब मुझे बताइए कि थ्री और फोर्थ एक ही तो इक्वेशन है, चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हम थ्री और फोर को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग थ्री एंड फोर, तो जब आप थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे, मुझे बता सकते हो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है थ्री में? अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है सबको? यस, वन बाय एल सी दिख रहा है, वेरी गुड। तो आप ओमेगा को लिख सकते हैं वन बाय रूट ओवर एल सी, सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज वन बाय रूट ओवर एल सी, दिस इज व्हेन वी कंपेयर थ्री एंड फोर, सो ओमेगा इज वन बाय रूट ओवर एल सी। यहां तक क्लियर है सबका? तो आगे बढ़। अब ये जो ओमेगा, इतना लिख लीजिए फिर देखते हैं कि ओमेगा का मतलब क्या है, इतना लिख लीजिए फिर देखते हैं ओमेगा का यहां मैथमेटिकल क्या मीनिंग, इतना लिखो, ये सब रफ करना होगा।
जी इसका यहां मैंने चार्ज को डिफरेंशिएट नहीं किया, यहां तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आपका चार्ज करंट के साथ डिक्रीज कर रहा है, मेरे पास फंक्शनल फॉर्म नहीं है, लेकिन चार्ज करंट के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो जो चेंज होगा चार्ज में वो चेंज नेगेटिव होगा, वहां से नेगेटिव साइन है। अब आपको चार्ज की कोई फंक्शनल फॉर्म भी दे दे तब भी करंट के लिए उसे नेगेटिव साइन लगाकर डिफरेंशिएट करना, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है चार्ज डिक्रीज होगा। ये किसी डिफरेंशिएट करने की वजह से नेगेटिव साइन नहीं आया, ये नेगेटिव साइन हमने सिर्फ इसलिए यूज किया है क्योंकि आपका जो चार्ज है वो सिस्टम में डिक्रीज हो रहा है, करंट एक डिक्रीजिंग चार्ज की वजह से आया इसलिए माइनस डी क्यू हो रही। आप लोग इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसको रब करना है और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो ये जो ओमेगा आया ना, ओमेगा इज 1/√LC, इस ओमेगा को हम कहते हैं दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। This is the natural frequency of LC oscillation. अब देखिए ये natural frequency होगी, basically angular frequency है, अगर linear frequency चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2π nu is 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1/√LC। सो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से आपका चार्ज ऑसिलेट करेगा, और यही एग्जैक्टली वो फ्रीक्वेंसी होगी जिससे आपकी एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। तो यहां आपका जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है उस चार्ज की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है यहां 1/√LC। एक काम और करने को कहता है इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व कर चार्ज की इक्वेशन बता दो कि चार्ज टाइम के साथ वेरी कैसे कर रहा है। एक काम और कहेगा आपसे, चार्ज की इक्वेशन बता दो बस, नहीं प्रांजल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, अभी आएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अभी तो रेजोनेंस को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है वो सिंपल फ्रीक्वेंसी जिससे आपका सिस्टम ऑसिलेट करता है, तो वो फ्रीक्वेंसी जिससे आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बैक अबे इतना टाइम हो गया तो उसे लिखे हुए लिखा ही नहीं था अब तक। हाँ अर्षद जल्दी लिखो, अब देखिए इसके बाद इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन के बाद, हाँ मोटा बस ये बताया आपको कि कहां से मोटा रिपीट करना है, इस पॉइंट से, इससे पहले वाला लिखा था कोई ये लिख लिया था आपने इससे पहले से, तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 1/√LC, ये वो इसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे LC सर्किट में चार्ज ऑसिलेट करता है,
या आपकी एनर्जी ऑसिलेट करती है, जिस फ्रीक्वेंसी से आपका चार्ज ऑसिलेट करेगा या आपकी एनर्जी ऑसिलेट करेगी, उस फ्रीक्वेंसी को आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनसी ऑसिलेशन कहते हैं। अब ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसे 2/ν लिख सकते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, तो न्यू लिख दिया विच इज 1/√LC, तो आप न्यू लिख सकते हैं 1/2/√LC, तो से आपने न्यू लिख दिया विच इज 1/2/√LC। अब इसके बाद वो आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ चार्ज निकालिए फॉर इक्वेशन ऑफ चार्ज सॉल्व इक्वेशन नंबर 4। चार्ज की इक्वेशन के लिए इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 है क्या, इक्वेशन नंबर 4 है आपकी d²q/ωq = 0। ये इक्वेशन नंबर 4 थी, d²q/ωq = 0। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका q आ जाएगा, q इज q₀ cos ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। भाई अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको नहीं सीखना। जिन लोगों के पास मैथ्स है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है, लेकिन फिलहाल अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। मैं आपका काम डायरेक्ट रिजल्ट से हो जाएगा, q = q₀ cos ωt+1। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर इसको भी रब कर देंगे। हाँ, अभी मैं साइन और कॉस डिस्कस कर रहा हूं, इतना लिख लो जल्दी से। चलिए सबने लिख लिया। अब देखो कॉस की जगह आप साइन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बस ये फाई की इक्वेशन, फाई फेज डिफरेंस की वैल्यू सेट करनी होती है। सो मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ कॉस लिख रहा हूं, cos ωt+5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आप साइन भी लिख सकते हैं, बट दोनों के लिए फाई की वैल्यूज अलग अलग होंगी। चार्ज आ गया q₀ cos ωt+5 है। अब अगर चार्ज आ गया तो आप करंट इक्वेशन लिख सकते हैं। करंट की इक्वेशन के लिए आप लिख सकते हैं करंट इज इट्स dq/dt, तो आप लिख सकते हैं करंट इज d/q₀ cos ωt+5। आप लिख सकते हैं q₀ अलग हो गया, cos ωt+5 को जब आप डिफरेंशिएट, cos ωt+5 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -ωsin ωt+5, और एक माइनस तो पहले से था, आपका करंट आ गया q ओमेगा साइन
ओमेगा टी नॉट क्यू, क्यू नॉट, क्यू नॉट प्लस वन। भाई यहां तक बता दीजिए, इतना आया समझ में सबको? ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इतना समझ में आ गया सबको, है ना? चलिए इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन। अच्छा मुझे यहाँ बता सकते हो आई नॉट क्या होगा? ये करंट की इक्वेशन तो कैलकुलेट कर ली, इस इक्वेशन में आई नॉट कितना है? वेरी गुड, आई नॉट है क्यू नॉट ओमेगा, वेरी गुड, आई नॉट आ गया। तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा I is I naught sin omega t plus 1। So, जब आपका चार्ज LC ऑसिलेशन होगा, चार्ज ऑसिलेट करेगा, तो ये चार्ज की इक्वेशन और ये उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की इक्वेशन है I naught sin omega t plus 5। यहां तक लिख लीजिए, इतना लिखिए। इतना लिखिए, फिर इसमें कुछ डिस्कशंस और भी हैं, आपको सीखना है फाई कैसे सेट करते हैं, फाई की वैल्यू इस चार्ज में कैसे सेट की जाती है वो भी आपको सीखना है। जी फायर, अगर आप चार्ज को साइन में ले लें तो करंट कॉस में आ जाएगा, बिल्कुल। फाई लिख लीजिएगा, फेस कांस्टेंट है। भाई आप जैसे जैसे लिखते जाए मुझे बताते जाइए, इसको रख करेंगे। भाई ये समझ लो आखिरी चैप्टर है, बिल्कुल ये आपकी टफ कहानी का फिजिक्स का, इसके बाद चीजें बहुत इजी रह जाती है। सब लिख चुके हैं ना? नहीं अरबाब, फेस डिफरेंस नहीं है, फेस कांस्टेंट है। देखो अरबाब, फेस डिफरेंस तब आता है जब दो चीजें गिवन हो, जैसे हमने अब तक कराया ना सर्किट में, करंट होता था, ईएमएफ होता था, दोनों में डिफरेंस, फेस डिफरेंस आता था करंट और वोल्टेज को कंपेयर करके। यहां कंपेयर नहीं कर रहे, ये फेस कांस्टेंट है, यह आपको सिर्फ ये बताएगा स्टेट ऑफ सिस्टम एट t इक्वल टू जीरो। ये आपको सिर्फ बताएगा t इक्वल टू जीरो पर चार्ज मैक्सिमम है या जीरो है, t इक्वल टू जीरो पर करंट मैक्सिमम है या जीरो है। वो जो इनिशियल स्टेट कि इनिशियली आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था या पार्शियली चार्ज था, इनिशियली आपका कैपेसिटर में कितना चार्ज गिवन था, वो t इक्वल टू जीरो पर जो कुछ भी था वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। बिल्कुल जैसी जैसी इक्वेशन होती है v is u plus at, यहाँ u बताता है कि इनिशियली आपके सिस्टम की वेलोसिटी क्या थी, ऐसी ये phi बता रहा है कि इनिशियली आपके सिस्टम में चार्ज कितना था। तो फेस डिफरेंस नहीं, फेस कांस्टेंट है। वहां हम कंपेयर करते थे करंट और टाइम को, ईएमएफ को, या कंपेयर नहीं करते। अमीन आप ही का वेट कर रहा हूं, आप इतना लिख लें तो बताइए। अरबाब आपके समझ में आया? चलिए अब आपको ये सीखना है, ये कुछ थ्योरी का पार्ट नहीं होता, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि चार्ज की इक्वेशन में फाइ को कैसे फिक्स करते हैं। तो आपके चार्ज की इक्वेशन होती है क्यू नॉट कॉस
ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये चार्ज की इक्वेशन है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी नॉट फाइव नॉट फाइव, आपको सेट करना है फेस कॉन्स्टेंट। मैं आपसे कहता हूं इनिशियली कैपेसिटर वॉज फुल्ली चार्ज, आपका जो कैपेसिटर है वो आपका कैपेसिटर इनिशियली पूरी तरह से चार्ज था, फुल्ली चार्ज था। यानी बताओ अगर आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इनिशियली क्यू कितना होगा, क्यू नॉट की इक्वल, ये क्यू नॉट मीन्स मैक्सिमम चार्ज, क्यू क्यू नॉट की इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा क्यू नॉट इज क्यू नॉट कॉस ओमेगा, और कब हो रहा है ये टी इक्वल टू जीरो पर, कॉस ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव। दोबारा देख लीजिए टी इक्वल टू जीरो पर फुल्ली चार्ज, तो टी इक्वल टू जीरो पर क्यू को क्यू नॉट रख दिया, इट्स क्यू नॉट कॉस, तो आप लिख सकते हैं वन इज कॉस फाइव, कॉस फाइव वन हो गया। कॉस फाइव वन होने का क्या मतलब है, आपका फाइव कितना आ जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब एनसीईआरटी ने इस इक्वेशन को यूज किया हर जगह, q is q naught cos omega t, बट आपके जहन में बहुत क्लियर होना चाहिए ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, ये आप तब यूज करोगे वैलिड ओनली इफ q is q naught एट t इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कैपेसिटर इज इनिशियली फुल चार्ज, इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। अगर ऐसा हो पा रहा है कि इनिशियली आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है तभी आप कहेंगे कि ये इक्वेशन वैलिड है। यहां तक बताइए मुझे समझ में आया, जरूरी नहीं है सनाउल, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैपेसिटर हाफ चार्ज दो, मैक्सिमम का आधा चार्ज दिया और की क्लोज कर दी, ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आपके कैपेसिटर पर मैक्सिमम का वन फोर्थ चार्ज था और की क्लोज कर दी और ऑसिलेशन शुरू करवा दिया। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं और हर पॉसिबिलिटी के लिए क्यू की फाई की वैल्यू अलग होगी, बट एनसीईआरटी ने इसे डिस्कस किया हुआ इसीलिए वो कई जगह डायरेक्टली कॉस ओमेगा टी लिख देता है, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में क्योंकि कॉस जस्ट कॉस ओमेगा टी आ रहा है, दैट मींस वो ये मान के चल रहा है कि इनिशियली आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। सो रब कर दूं इसको, चलिए जी सनाउल हो जाए तो बताइएगा मुझे, ठीक है सादिया लिखे लिखे जब हो जाए तो बताइएगा। सादिया और सनाउल इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा, चलिए सनाउल लिख लिया रब कर दूं, सो अब तक के डिस्कशन से दो चीजें क्लियर हुई, एक ये कि चार्ज टाइम के साथ वेरी करेगा, हम चार्ज की इक्वेशन क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव यूज करेंगे, करंट टाइम के साथ वेरी करेगा, फाइव की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन से, टी इक्वल टू जीरो पर चार्ज मैक्सिमम है तो फाइव जीरो होगा। अच्छा एक अनाउंसमेंट और है, इस बैच में एक दो बच्चों ने मुझसे कहा था कि समझ में नहीं आता, देखिए दो बैचेस हैं, एक जो प्योर सीबीएसई वाली बैच है उसमें बहुत स्लो लेके चलता हूँ और वहाँ चूंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स में बहुत डेप्थ नहीं आती तो जो अननेसेसरी डेप्थ है वो मैं डिस्कस भी नहीं करता,
तो ये समझे आप, इस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के कंपेरेबल अगर आप ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाली बैच में आए तो स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट हाफ दिखेगा, बहुत परेशानी नहीं आई। लेकिन यहाँ जब आप आ रहे हैं, आप एम बनाकर आ रहे हो कि नीट के भी क्वेश्चंस करने हैं, जेई के भी, तो मेरे ऊपर भी एक बर्डन है कि मुझे डेप्थ में जाना पड़ता है, वरना ये 5i की वैल्यू सेट करने की सीबीएसई वाले मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां मैं डायरेक्टली ओमेगा टी लिखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो अगर आपको यहाँ समझने में परेशानी हो रही है तो आप बेटर है आप उस बैच में शिफ्ट हो जाइए, 100% उसमें समझ में आएगा, फिर जब वहां आप ठीक हो जाए तब आप इसमें दोबारा आ जाइए। तो कितनी डेप्थ में मैं जाता हूं वो डिपेंड करता है मेरे पास बैच कौन सी है। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट है, तो चार्ज भी टाइम के साथ चेंज करेगा, करंट भी टाइम के साथ चेंज करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करूं, अगर मैं आपसे कहता हूं एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये होती है हाफ इट्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और आप इसे लिख सकते हैं इट्स हाफ क्यू इज क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी स्क्वायर बाय सी। सो विच इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर cos square omega t, sorry not omega t, actual लेते हैं omega t plus 5। so cos square omega t plus 5, ये आपकी electrical energy की equation। तो आपको ये दिख गया कि electrical energy भी time के साथ vary कर रही है। magnetic energy, मैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं हाफ एल आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव स्क्वायर। हाँ जाहिद सी छोड़ गया, सो दिस इज हाफ एल I naught square sine square omega t plus 5. So this is half L I naught square sine square omega t plus 5. अब ये जो I naught है ना, आप चाहो तो इस I naught को ऐसे भी लिख सकते हो, ये एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है, इसे आप कई फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो I naught को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स ओमेगा सी, ओमेगा सी था नहीं ओमेगा क्यू नॉट। तो मैग्नेटिक एनर्जी का ये भी एक्सप्रेशन आ जाता है हाफ एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। एक काम और कर सकते हैं आप मैग्नेटिक एनर्जी में, इट्स हाफ एल, अब ये जो क्यू ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वन बाय एल सी क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सो एल से एल कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक एनर्जी का ये भी, ये जो ओमेगा स्क्वायर था ना ये अभी तो डिराइव किया था वन, बस इसकी जगह वन बाय एल सी रख दिया, तो ये आ गया हाफ क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों में से आप जब जो ज्यादा कन्वीनियंट हो वो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, सी रह गया, सी रह गया, बिल्कुल रह गया, सी रह गया, चलिए भाई सी भी आ गया। अच्छा अब आपको ये तो देखो, अगर मैं चार पैरामीटर्स लूं, चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर मैं आपसे कहूं टोटल एनर्जी
जरा चेक करके देखिएगा टोटल एनर्जी कैसी आ रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है या कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी इज जस्ट सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। चलो ज्यादातर लोगों का आ भी गया, इट्स जस्ट सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, लिख लीजिए था। इतना लिखिए, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, और ज्यादा लोगों को तो शायद दिख भी रहा है कि कांस्टेंट है, करके देखिए कैलकुलेट, वैल्यू लिखिए चार्टों में। एक इंक्रीज होगी, दूसरी डिक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं सनाउ, टोटल देख लो एक बार कितनी आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों का आंसर। चलो इसके बाद बिल्कुल क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। सो टोटल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, तो दोनों का एक्सप्रेशन लिखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी अभी आते हैं जरा फैजाना, हाफ Q naught square by C sine square omega T plus phi. So Q naught square by 2C को हम यहां कॉमन ले लेते हैं, यहां जो बच जाएगा उससे इतना बच जाएगा square omega T plus phi plus sine square omega प्लस फाइव। सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन, तो ये आ गया क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी इंटू वन, सो दैट्स जस्ट क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। इट्स क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी, तो इस तरह से कुछ एनर्जी जनरेट होगी टोटल एनर्जी। अच्छा फैजान का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो फैजान रीजन ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चेंज हो रही है तो कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक में। तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक थी 5 जूल मैग्नेटिक थी 0, टोटल कितनी आ गई 5, इलेक्ट्रिकल 3 हुई तो कहाँ गई, मैग्नेटिक में गई ना, तो टोटल कितना आ गया 5, इसलिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट है।
कि जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में ही ऑसिलेट कर। इतना लिखा आप लोगों ने? चलिए, तो ये हमने थ्रू आउट द कैलकुलेशन अनडैम्प्ड लिया है, थ्रू आउट द कैलकुलेशन, कहीं भी हमने फ्रिक्शन नहीं डाला, कहीं भी हमने रेजिस्टेंस नहीं डाला, तो तौहीद एनर्जी में कहीं कोई लॉस नहीं। हम यही लेके चल रहे हैं कि एनर्जी में लॉस नहीं होगा, एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए इसके ऊपर। So usually boards में तो इस LC oscillation पर questions नहीं देता है, ये सब आपके entrance के ही काम आता है। LC oscillation का question, LC oscillation में theory पूछता है। कुछ questions देखिए। In an LC circuit, switch is closed at t equal to 0 Q max is 100 micro coulomb at t equal to 0 L is 40 millihenry and C is 100 microfarad. पहला कहता है कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज। इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज, फिर आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, देखिए बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है। कह रहा है t इक्वल टू जीरो पे चार्ज मैक्सिमम है, तो जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो आप इक्वेशन ऐसे लिखोगे ना, q इज q नॉट cos ओमेगा t। आपको q नॉट दिया हुआ है 100 माइक्रोफेरेड, 100 माइक्रो कूलम, सो ये आ गया 100 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, सो q नॉट आ गया 10 रेज टू द पावर माइनस 4 कूलम ओमेगा, 1 by root over LC, 1 by root over L, which is 40 into 10 raised to the power minus 3, C, which is 100 into 10 raised to the power minus 6. So minus 4 or minus 3, minus 7 or 1/6. तो ये आ गया रूट ओवर 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, सो ये आ गया 1 बाय 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, विच इज 1000 बाय 2, 1000 बाय 2 कितना आ जाएगा 500 रेडियन पर सेकंड, ये आपका ओमेगा आ गया। रख दीजिए यहाँ वैल्यू, तो Q आ जाएगा Q नॉट इज 10 रेज टू द पावर माइनस 4 cos omega 500t। ये फर्स्ट इक्वेशन है चार्ज की। यहां तक बताओ भाई, क्लियर है सबका? इक्वेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस इक्वेशन लिखवा रहा है। अच्छा, अगर इक्वेशन ऑफ चार्ज आ गई तो आप करंट के लिए दो काम कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, करंट इज q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t, Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा डी, सो करंट आ गया Q नॉट 10 रेज टू द पावर माइनस 4 ओमेगा 500,
साइन ओमेगा टी, फाइव इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस टू साइन 500। ये इक्वेशन है करंट की, 5 इंटू टेन रेज टू दी पावर माइनस टू साइन 500, ये करंट की इक्वेशन है। चलिए भाई इतना लिख लीजिए। चलिए लिख लिया। इसमें एनसीईआरटी पर एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक मिनट रुको। अब इक्वेशन विजिबल है,
ये 7.12 सॉल्व करना, सेवन पॉइंट वन साथ में सॉल्व करते हैं। तो एलसी सर्किट गिवन है, 20 मिली हेनरी का इंडक्टर है, 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इनिशियल चार्ज है 10 मिली कूलर को, क्यू नॉट गिवन है 10 मिली कूलर विच इज 10 × 10⁻³ कूलर, एल आपको गिवन है 20 मिली हेनरी, सो 20 × 10⁻³ हेनरी, कैपेसिटेंस गिवन है 50 माइक्रोफेरेड, 50 × 10⁻⁶ फेरेड, ये आपको सिस्टम गिवन है। व्हाट इज स्टोर्ड इनिशियली, इज इट कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। तो जो टोटल एनर्जी है भाई, टोटल एनर्जी आपकी इनिशियली इलेक्ट्रिकल होगी, आप निकाल सकते हैं हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी कर, मैं हिंट दे रहा हूं आप कैलकुलेट करोगे। बी पार्ट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट कैसे आ जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC, वैसे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आप ऐसे लिखोगे 1/2π√LC। आपसे पूछ रहा है किस टाइम पर एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है और कब कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था हमने, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सप्रेशन को मैक्सिमम कर दो, वहां से वो टाइम आ जाएगा। करिए जरा सी पार्ट तक कैलकुलेट करिए, डी और ई साथ में करते हैं। और आप चार्ज की इक्वेशन यूज करोगे, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना सी पार्ट में, तो आप इसे यूज करोगे, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर सी cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू। ओमेगा नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं बस इसलिए नहीं है, और या फाइव को आप जीरो रख सकते हैं, ओमेगा टी इज वन। मुझे यहां से निकाल के दिखा दीजिए टाइम की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों के आंसर्स यहां लिखकर दिखाइए क्या क्या वैल्यूज आ रही है।
चलिए कुछ पार्ट्स आ गए, बाकी पार्ट्स तो मुझे सॉल्व करने हैं। देखिए, तो जब आप फर्स्ट सॉल्व करोगे, एक काम करें इसे व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बहुत जगह चाहिए, इतनी जगह नहीं है, मुझे बस वैल्यूज बता देना। मैं व्हाइट बोर्ड पर शेयर कर रहा हूँ, मुझे बस वैल्यूज बता देना। मुझे वैल्यूज बता देना, क्या क्या चाहिए, टाइम चाहिए। बोर्ड पर सॉल्व करते हैं, जगह ज्यादा चाहिए। भाई कोई एक बता दे, चलो मुझे क्या क्या गिवन है, एल कितना गिवन है, क्वेश्चंस देखिए। सो एल आपको गिवन है, सी गिवन है। ए पार्ट तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए में आपसे कह रहा है इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड कह रहा है, विच इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। हाफ क्यू नॉट आपने कितना हुआ था, 10 मिली कूलम था। सो इट्स 10 इंटू 10 raised to the power minus 3 square by C. C है 50 into 10 raised to the power minus 6. ये कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, ओके 1 जूल आ रहा है अमानत का भी, ठीक है 1 जूल ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 1 by root over L by C. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब आप कैलकुलेट करेंगे, इट्स 2 इंटू 3.14 इंटू 1 बाय रूट ओवर एल। एल इंडक्टेंस है आपका 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 रेस पर माइनस 3। सी कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफेरेड, तो 50 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। भाई ये करिए किसी ने कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फैज रहबर अमानत सबका एक ही आ रहा है, चलो 159 लिख देते हैं। भाई मैं इन तीन बच्चों की कैलकुलेशन पर यकीन कर रहा हूँ, 159 आ गया। चलो इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि कब एनर्जी आपकी पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल है और कब आपकी एनर्जी पूरी तरह से मैग्नेटिक है। तो आप लिख सकते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट्स हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। सी पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है एनर्जी कब आपकी पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। भाई देखिए, पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल तभी होगी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम आ जाए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देखिए मैक्सिमम तभी हो सकती है जब कॉस ओमेगा टी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाए, मींस 1 हो जाए, या कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 1 हो जाए, दोनों में ही ये मैक्सिमम आएगा, प्लस 1 हो या माइनस 1 हो। अब कॉस प्लस माइनस 1 कब आता है, जब ओमेगा टी आपका एन पाई हो जाए, एन आपका 0 से स्टार्ट कर जाता है, 0, 1, 2, 3 कितना आ जाएगा। तो एक टाइम नहीं होगा, कई टाइम होंगे जिस पर ये आएगा। ओमेगा को आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड की टर्म्स में 2π/T, ओमेगा को 2π/T कर दिया, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया 2π/T इंटू टी इज इक्वल टू एन पाई। तो टी आ गया, इट्स एन बाय 2t। भाई मुझे यहां बताइए, यहां तक आया समझ में? फर्स्ट टू पार्ट्स तो ट्रिवियल है, मुझे पता है किसी को परेशानी नहीं आ रही। सी पार्ट बताओ समझ में आया,
हाँ जाहिर, देखो कॉस की वैल्यू सिर्फ एक एंगल पर नहीं होती। अच्छा, जिनको कॉस के एंगल्स नहीं पता, देखिए कॉस 0 प्लस 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, यहां देख लो जिन्हें परेशानी है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 3 पाई -1 होता है, कॉस 4 पाई 0 होता है। तो सारे एंगल है ना, उन सारे एंगल्स की वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ा कि एन पाए, एन 0 1 2 3 जा रहा है। हाँ अभी ठीक कर रहा हूँ, करो मैं करो, तो एन 0 1 2 3 सब जाएगा, तो एन की वैल्यू चेंज करते चले जाओ। एन 0 रखोगे एंगल कितना आ जाएगा, कॉस 0, एन 1 रखोगे कॉस पाए, एन 2 रखोगे कॉस 2 पाए, तो एन की वैल्यू हम चेंज करते चले जाए, तो ये आ गया आपका इट्स एन पाए। तो यहां से आपका एन आ गया, टी आ गया एन टी बाई टू। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ? सनाउल और बहुत सारों को प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। चलिए अब एन की वैल्यूज रखते चले जाइए, तो टी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एन को 0 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा, एन को 1 रख दीजिए टी बाई टू हो जाएगा। भाई एन वेरी कर रहा है, 0 1 2 3, 2 रख दीजिए 2 2 t/2 हो जाएगा, 3 रख दीजिए 3 t/2 हो जाएगा, तो t आ जाएगा 0 आ जाएगा, t/2 आ जाएगा, t आ जाएगा 3 t/2 आ जाएगा, और ऐसे आपका टाइम वेरी करता चला जाएगा, टाइम चेंज होता चला जाएगा जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करें। तो ये सारी वो वैल्यूज हैं जिन सारी वैल्यूज के लिए आपकी जो भी एनर्जी है वो एनर्जी मैक्सिमम। इसके बाद अब आपको टाइम पीरियड अगर चाहिए तो देखिए 1/फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकाल दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस किस टाइम के ऊपर आपका टाइम एनर्जी मैक्सिमम। सो आप ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज प्योरली इलेक्ट्रिकल एट टी इक्वल टू 0, t/2, t, 3/2 और बढ़ते चले जाओ, तो इन सारे टाइम के ऊपर एनर्जी प्योरली इलेक्ट्रिकल। अब इसी तरह से वो आपसे कहता है ये भी बता दो एनर्जी प्योरली मैग्नेटिक कब होगी। सी में एक और पार्ट है, एनर्जी इज प्योरली मैग्नेटिक, अब भैया आप मैग्नेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी है आपका हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी होना चाहिए +-1। भाई साइन कब +1 होता है, देखो जैसे मैंने कॉस का लिखा था यहाँ ऐसे ही आप साइन का लिख सकते हैं। साइन के लिए देखिए क्या क्या हो सकता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, साइन 5 पाई बाई 2 +1 हो जाएगा, ऐसे ये चेंज होता चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इन जनरल ओमेगा टी जो होगा वो 2n+1 π/2 होता है, और आपका जो टी है वो 0 से वेरी करता चला जाएगा, 0 1 2 एट ऑल, तो ऐसे आप टी निकाल सकते हैं। तो यहां से टी आ गया इट्स 2n+1 π/2 ओमेगा, तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा 2π/T होता है। ओमेगा इज 2π/T, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आ गया 2n+1 t/2। ये वो सारे टाइम है जिस टाइम में आपका मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी प्योरली मैग्नेटिक। अमान का क्वेश्चन है साइज प्लस माइनस क्यों दिया, अमान इसीलिए लिया है ना कि अगर साइन की वैल्यू +1 होगी तब भी साइन स्क्वायर +1 देकर एनर्जी मैक्सिमम दे देगा,
अगर साइन की वैल्यू माइनस वन होगी तब भी स्क्वायर देकर मैक्सिमम एनर्जी दे देगा, इसी दोनों टर्म। भाई ये समझ में आया सबको? थोड़ा सा टफ हो जाता है एसी में, अब जो एक आठ टॉपिक्स रह गए वो थोड़ा सा घुमाएंगे। अब एक बार एन की वैल्यूज रख कर देखिए, सेम टाइम आ रहे हैं कि अलग अलग टाइम आ रहे हैं, करिए जरा इतना काम, एन की वैल्यूज रखिए, अभी तो दो पार्ट और थे, अलग ही आएंगे, सेम कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल अलग आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, डिफरेंट आ रहे हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए इतना। फिर वो करते हैं जब ये दोनों कह रहा है सेम है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी जब सेम है तब देखते हैं क्या होगा। टेन की वैल्यू रखते चले जाइएगा, जीरो वन टू सब। बिल्कुल सही आ रहा है सबका। देखिए n है आपका 0, 1, 2, 3, अगर आप रखते चले जाएं तो t हो जाएगा t by 4, ये आ जाएगा 3t by 4, 5t by 4, बढ़ता चला जाएगा, t by 4, 3t by 4, 5t by 4, ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे होगा। तो ये वो सारे टाइम है जिन टाइम के ऊपर आपकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी प्योरली मैग्नेटिक हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट बताना मुझे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में डी पार्ट में क्या कह रहा है भाई, डी पार्ट बताइए मुझे, डी में क्या कह रहा है वो आपसे। अरे क्या है क्वेश्चन में, डी इक्वली, ओके सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को वेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और मैग्नेटिक हो गई आपकी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये वन आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आ गया टेन स्क्वायर ओमेगा टी इज वन, मीन्स टेन ओमेगा टी वन जब आ जाएगा प्लस माइनस। तो ये वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, एक तो ओमेगा क्यू आ जाएगी पाई बाय फोर आ जाएगी, और उसके अलावा और कौन सी वैल्यू होती है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कर दू, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू, हाँ जी फाइव पाई बाय फोर, ये आ जाएगा। तो इन सब के ऊपर आपका ये प्लस माइनस वन आ जाएगा। जनरल क्या होता है इसका, 2n प्लस 1 पाई बाय 4 होता है, इसका जनरल जनरल इक्वेशन क्या होती है, मैं भूल गया, साइन और कॉस की तो याद है इसकी, 2n प्लस 1 पाई बाय 4 होता है, n 0 नहीं बराबर, चलिए ये वैल्यूज हो जाएंगी जिसके लिए, सो आप यहां से टाइम की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, एन प्लस वन एन पाई प्लस थीटा, वैनी चलो इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं, तो आप यहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं कि आप, अब जनरल याद नहीं है तो क्या करें, वैल्यूज रख देते हैं,
यहां से ओमेगा आ जाएगा 2π/T इंटू टी इज π/4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पहला तो टी आया, इट्स टी बाय 8 पहला टाइम। दूसरा टाइम निकाल सकते हो, ओमेगा टी को 5π/4 से इक्वेट कर दो, ओमेगा टी को 5π/4 से इक्वेट कर दो। अगर एन में एक्सप्रेशन याद होता है तो थोड़ा टाइम बच जाता है, 2π/T, टी इज 5π/4, ये कैंसिल हो गया, तो टाइम आ गया आपका 5T/8। सो ये वो टाइम है जिन टाइम पर आपकी दोनों एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी। जल्दी लिख लीजिए, आज यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। सो होपफुली कल हम रेजोनेंस खत्म कर लेंगे, तो फिर एक सिर्फ ट्रांसफॉर्मर बचेगा। सो मंडे वाइंड अप हो जाएगा। हाँ सैटरडे है ना, सैटरडे तो क्लास होती है 10:30, सैटरडे छुट्टी कहाँ होती है भाई, संडे नहीं ले रहा हूँ क्लास, सैटरडे तो होती है, सैटरडे क्लास 10:30। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, इसके बाद क्लास कम करेंगे, अभी टॉपिक बचा हुआ। अच्छा सनाउल मैसेज पे बात करते हैं।